पोजे 4 साल वले सगाई गने पछ गयो ना बुझो न गयो देंगे और राखी पेंशन भी बंद ना पेंशन बंद बताया कोई फके फायदा है ना मां वो 4 साल की नौकरी करके फिर वो बाद में भाई सलाम बाजी करके छोरी भी जमीन ले जाओ अपनी वो छोरी भी जमीन लिया के मरिया ने फिर हम क्या बनाऊं उनका बाप ने पुत्तन खा छोरी छोरा बराबर नहीं मानना हां हम नहीं मानना वो अपने पिए सासरा मानेंगे हम मांगना अपने सासरा हम मानेंगे अपना सासरा मुंह भी अपना में जब बाप की तो भर जागो भाई पुराने टाइम की ताई यानो कहे चोरी चोरी बराबर नहीं नहीं बराबर नहीं छे राम राम भाई सारा मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल बाकड़ी में हाँ और बहुत बड़ा गांव लगभग 3500 बोटा गांव है यो और ये मौजूद व्यक्ति खड़े हैं गांव के क्यों खड़े हैं किसके स्वागत में खड़े ही नहीं से बात करेंगे राम राम जी राम राम जी आज इतनी संख्या में लोग क्यों खड़े हैं मात्र शक्ति भी खड़ी है भाई ये सब जो है दीपेंद्र हुड्डा के उसमें खड़े हैं जी तो दीपेंद्र के दीवाना हो गए गांव जी हाँ जी बिल्कुल पूरा दीवाना है पिछली बार क्या था जी क्या कमी रह गई थी दीपेंद्र जी पिछली बार तो मारे गए उसमें बहुत कमी थी और अभी अभी आपके यहाँ पे लगभग 2 किलोमीटर होगा बीजेपी की भारी रैली थी जी नितिन गडकरी जी आ रहे थे इतनी भारी रैली नहीं काफी संख्या में लोग थे इतनी नहीं थी अच्छा अच्छा नहीं थी इतनी तो आप दीपेंद्र से ही क्यों प्रभावित हुए क्योंकि कैंडिडेट बढ़िया है जी अच्छा कैंडिडेट है सब मिलने वाला मतलब कांग्रेस पार्टी तो प्रभावित हो दीपेंद्र तो प्रभावित दीपेंद्र से जी दीपेंद्र से जी आप क्या कहना चाहेंगे दीपेंद्र तो प्रभावित सर जी प्रभावित क्या कार्य कर दिया सर दीपेंद्र ने यहाँ पे जो बहुत कार्य कर पहली माता जी से बात करेंगे हाँ माता जी माता जी राम राम मेरा ले लीजिए माता जी राम 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 हाँ माता जी नौकरी ने सब छाट छाट की भागली गांव का खूब नौकरी लगा सर दीपेंद्र की वोट दे अच्छा और दीपेंद्र ने बढ़ावा जी अच्छा, बिल्कुल और छक्की जोर लगावा खूब जोर लगा सही कह रही आंटी जी सर पिछली बार क्यों हो गया था जो इतनी बोटा थी हरा दिया उल्लू बना दिया था उल्लू बना दिया था बोलो रुपया दूंगा और फलाने चीज दूंगा झगड़े चीज दूंगा दुनिया बैक की मैं बताऊँ पिछली बार हमारे गांव में वोट ना ले जी अपने आप जीत गया और फिर बीजेपी ने क्या किया एक जमींदार आदमी है आप सोचो एक जमींदार में उसका आईडी बना दी वो आपसे लेता है 25,000 रुपए में एक बिघा एक एकड़ जमीन वो 10-8 किले ले लेता है और उसने बेच दी सिरसू आ जा भाई तेरी ये पैसा कितना है इनकम कितना है बीजेपी कर क्या रही है यही कर रही है ना कि आप हिंदुस्तान में कई साल सर्विस होगी अंकल जी बटुआ भी लेने की जरूरत ना परस खुज जाएगा कितने स्टेट हैं अपने हिंदुस्तान में ये बताओ आप किसी में आईडी प्रॉपर आईडी है आगे ना अंकल जी आगे ना बात थोड़ी है बीजेपी बीमारी लाइट बंद करने से कोई बीमारी जाती है क्या ये बता दो मोदी ने ये कहा था ना कि लाइट बंद कर दो और थाली बजाओ मोदी के पोतो हो रहे हो जोत लगाओ हाँ आज भी यही कहा उसने वाराणसी में जब पत्र भरा था वो राम राम जी सारे ने मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल बाकड़ी गांव में हाँ जो कोसली क्षेत्र का गांव है बहुत बड़ा गांव है और यहां पर कोसली में अभी अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी की रैली थी और उसमें नितिन गडकरी जी आए थे जिन्होंने रोड के यहां पर जाल बिछाया इनके यहां पर बात करेंगे कौन सी पार्टी सिद्ध हो रही है यहां पर कोसली में पिछली बार 77,000 से लीड थी लगभग बीजेपी की और अब की बार सरपंच से मिले हम नमस्कार जी प्रधान जी नमस्कार जी प्रधान जी क्या चल रहा है कोसली पे निगाहें हैं पूरी रोहतक लोकसभा की आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद है आपके पिछली बार की वाली बात नहीं है जबकि रोहतक लोकसभा के प्रत्याशी भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा है आपके भारी मत जीता के और सांसद दिल्ली में पहुँचाएंगे उसको आपके पिछले वाली बात नहीं आपके आपके लोगों में बहुत भारी बात थी प्रधान जी जो इतना पिछली बार बनाकर वोट लेगी मोदी जी और इस गुजरात में कितने कितने कांड क्या क्या किया और कितनी झूठ बोल के स्वरूप आया 15 लाख का खाता इतना झूठा और इतना और फिर मुखिया आदमी तो अपने मंत्री नेता ने नहीं बख्श रहा इसको ज्ञान हो गया है जी तो प्रधान जी विकास कार्य क्या हुए हैं गांव में अब तक मान लो आपने काफी टाइम हो गया 1.5 साल हो गया आपका तो विकास कार्य सर 5 साल में कुछ हुआ नहीं कुछ आज तक कोई वर्मा था आपका कोई गांव बता दो कौन से गांव का है किसी ने गाँव का ही नहीं बता तक कितने वोटों का गाँव है अपना हमारा कम से कम जो 3200 वोट है गाँव में पिछली बार क्या था मतलब इलेक्शन में बाकली 2 बन गया ना बाकली में पिछली बार क्या था पिछली बार में थोड़ी मात मिली थी बाकली से क्योंकि बहिष्कार कर रखा था हमारे आपस में भाईचारा कोसली बाकली का डिस्ट्रीब्यूट था उसकी वजह से हमने बहिष्कार कर रखा था तो अब की बार आपका मन बना लिया आपके बहुत भारी तरह मन बना लोगों में बहुत भारी जोश है और अब भगवान की दया से एक तरफ की कार्रवाई
75,000 भी खत्म और 20,000 वोटों से और भी ज्यादा जीत है। अच्छा। और वो 75 भी खत्म कमी कर कर उससे भी ज्यादा वोटों है, भारी वोटों जीता है संसद दिल्ली में। बेल्ट जो है ना बिल्कुल अंधेरे में रह गया पहले। अब इस गांव में कौन कौन से वर्ग इतने काम हुए उसमें जी प्योर हीरे है तकरीबन। अच्छा, पूरा गांव, पूरा गांव, दो चार घर दहाड़ा के हरिजन भाई है, दो चार घर ब्राह्मणों के हैं और हरिजनों के बस, और बाकी पूरा गांव यादवों का। अब आपने देखा होगा गडकरी कर वो गाड़ी एक आधे का जो लाइन लग रही है, एक बालक पाओगे, एक आदमी पाओगे, ड्राइवर बस कुछ ना है, सारा सौदा दे पंद्रह काम कराए। आप तो देश की एक रीढ़ की हड्डी कही जाने वाले हो, क्यों आपने मेहर सिंह हो, आप सूबेदार हो, और आज क्या कहना है, नितिन गडकरी जी भी यहाँ पे पहुँचे थे अभी कोसली में, अभी अभी गए हैं और अभी दीपेंद्र जी आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कोसली पे, पूरे रोहतक लोकसभा की निगाह है? रोहतक लोकसभा के लिए जो दीपेंद्र ने यहाँ पर काम कर दिया वो कोई आदमी काम नहीं कर सकता। स्पेशली मैं कोसली हल्का के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इतने काम किए हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज कोसली, 100 बेड का अस्पताल कोसली, SDM ऑफिस कोसली और ITI कोसली और रीजनल सेंटर लुलाहिर, केंद्रीय विद्यालय बाखली, यूनिवर्सिटी केंद्रीय यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़, और हमारे गांव में गवर्नमेंट सर्विस 50 लगवाए। आपका गांव यही है? हमारा गांव मेरा गांव बाखली, 50 लगवाए और गलियां बनवाई और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, किसान भवन बाखली और ROB बाखली। और विपक्ष हरदम आप पर पर्ची का आरोप लगाता आया है, जो आप बता रहे हो दीपेंद्र की सरकार पे कि पर्ची से लगते थे, क्या वो निष्पक्ष भर्ती थी या पर्ची? निष्पक्ष, जिसका नाम लग गया वो झूठ बोल देता है जी, बिल्कुल निष्पक्ष थी, कोई पर्ची खर्ची नहीं। अग्निवीर के बारे में क्या कहना है? अग्नि मैं एक सर्विस मैन हूँ, आपके तो यहाँ के फौजी ज्यादा हैं हर घर में, ये अग्निवीर मतलब ठीक नहीं है, सेना की बेइज्जती है, सेना की ताकत को कम करता है, फाइटिंग फाइट में वो इन्वॉल्व होने के लिए राजी नहीं होंगे। तनख्वाह में क्या कारण रहा था सर, पिछले चुनाव में क्या कारण रहा था जो यहाँ से BJP को अच्छी लीड मिली? पाकिस्तान का पिछले कारण ये हुआ कि जो पुलवामा हमला हुआ और ये जो इंटरनेशनल टेररिस्ट को इन्होंने थोड़ा दबाव बनाया था, इस रीजन से लोग BJP के साथ लग गए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पाए। प्रधान जी राम राम। ठीक हो प्रधान जी? बढ़िया। क्या नाम है? मेरा नाम ठाकुर जी। आपने तो काफी चुनाव देखे होंगे प्रधान जी, इस बार चुनाव कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, सुंदर एकदम। किस तरफ करवट ले रहा है चुनाव? 90% कांग्रेस है और BJP तो समझ लो जमुना पार है। कांग्रेस क्यों है, कारण क्या है? बढ़िया काम कर रहा है BJP ने, डोंडलाबाजी करके जैसे झूठ बोल बोल कर, कभी तो मंगलसूत्र छीने से, कभी भैंस करे से है, तो ये काम करती है। मोदी खुद एक प्रधानमंत्री होकर के वो झूठ बोलता है सरेआम है, किस तरह की वो कह दे भाई मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस, उनकी घरवाले को नहीं छीनो कहीं से। एक बात और है जी, नहीं एक सेकंड आप रुक जाओ, बाद में बोलें जी, समझा? तो ये तो मोदी सरकार है सारी झूठी है, आप लोगों ने 10 साल में देख लिया भाई कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है जी। ठीक है, तो क्या है सरकार आएगी अब के कांग्रेस की? तो भाई बाकली गांव का दिखाया हमने अभी यहाँ पे, बहुत बड़ी रैली थी जो BJP की थी, और अभी बहुत बड़ा फंक्शन यहाँ दीपेंद्र हुड्डा का होने वाला है। देखो भाई मत का अपना अधिकार होता है, हालांकि हम किसी बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन यहाँ गुस्सा साफ नज़र आ रहा है। एक अंकल जी तो ये बहुत कड़ल रहे हैं, बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे, क्या ये सही है, क्या इनका निर्णय सही है, तो कमेंट बॉक्स में राय दे, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। जय भारत। तो दीपेंद्र के दीवाना हो गए काम जी? हाँ जी बिल्कुल, पूरा दीवाना जी। पिछली बार क्या था जी, क्या कमी रह गई थी दीपेंद्र जी? पिछली बार तो मारे गए उसमें बहुत कमी थी, और अभी अभी आपके यहाँ पे लगभग 2 किलोमीटर होगा BJP की बाहर रैली थी जी, नितिन गडकरी जी आ रहे थे, इतनी भारी रैली नहीं, काफी संख्या में लोग थे, इतनी नहीं थी। अच्छा अच्छा, नहीं थी इतनी। तो आप दीपेंद्र से ही क्यों प्रभावित हुए? क्योंकि कैंडिडेट बढ़िया है जी, अच्छा कैंडिडेट है, सब मिलने वाला, मतलब कांग्रेस पार्टी तो प्रभावित हो, दीपेंद्र तो प्रभावित? दीपेंद्र से जी, दीपेंद्र से, दीपेंद्र से जी। आप क्या कहना चाहेंगे? दीपेंद्र तो प्रभावित सर जी, प्रभावित। हाँ, क्या कार्य कर दिया सर दीपेंद्र ने यहाँ पे? बहुत कार्य कर, पहली माता जी से बात करेंगे। हाँ माता जी, माता जी राम राम की जोर लगाओ आंखों में।
जोर लगा सही कह रही आंटी जी। सर पिछली बार क्या हो गया था जो इतनी बोटा थी और दिया उल्लू बना दिया था, उल्लू बना दिया था बोलो रुपया दूंगा और फलाने चीज दूंगा जिकड़ चीज दूंगा दुनिया बैक की मैं बताऊं पिछली बार। हमारे गांव में तो वोट ना ले जी हमने आप जीत लिया और फिर बीजेपी ने क्या किया? एक जमींदार आदमी है आप सोचो एक जमींदार में उसका आईडी बना दी वो आपसे लेता है 25,000 रुपए में एक बिगा एक एकड़ जमीन वो 10-8-10 किले ले लेता है और उसने भेज दी सिरसू आ जा भाई तेरी ये पैसा कितना है इनकम कितना है। बीजेपी कर क्या रही है यही कर रही है ना कि आप हिंदुस्तान में कई साल सर्विस होगी अंकल जी बटुआ भी लेने की जरूरत ना परस कूद जाएगा। कितने स्टेट हैं अपने हिंदुस्तान में ये बताओ आप किसी में आईडी प्रॉपर आईडी है आगे ना अंकल जी आगे ना बात थोड़ी है बीजेपी की बीमारी लाइट बंद करने से कोई बीमारी जाती है क्या ये बता दो। मोदी ने ये कहा था ना कि लाइट बंद कर दो और थाले बजाओ बैठ जाओ मोदी के पोतो हो रहे हो जोत लगाओ। हाँ आज भी यही कहा उसने वाराणसी सिंह जब पत्र भरा था वो बोलो थाले बजाते हुए जाना तो मोदी के पोतो हो रहे थाले बजाते जाओ बीमारी दूर ना यहाँ पे साफ गुस्सा नजर आ चोरी चोरा बराबर नहीं मानना था हम नहीं माना वो अपने पियर सासरा मानेंगे मांगना अपने सासरा हम मानेंगे अपना सासरा अपना में जब बाप की तो भर जागो भाई पुराने टाइम की ताई यानो कह चोरी चोरी बराबर नहीं नहीं बराबर नहीं छे कत्ती भाई मतरती भर के मेरा होते के मतरती भर गया चला बाबू आराम से बताओ हमें रोटी खाओ मजे चाहे वो अपने घर सुखी रहो वहां अपने घर हम बच्चा के खा सारी जमीन ने लेके खूट भी खोलिया हैं ये हम तो कुत्ता बराबर सा ना मारा बालक लगाया भाई मातर सकती है गुस्सा साफ नजर आ रहा है फौजियों को लेकर भी गुस्सा नजर आ रहा है यहाँ पे साफ साफ तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। हालांकि मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती ना ही मीडिया किसी को कहती कि वोट किसकी डालनी है वोट का अपना सबका अपना अधिकार होता है लेकिन यहाँ स्पष्टता दिखा रहे हैं बिल्कुल साफ साफ इस गाँव में बाकली गाँव में दिखा रहे हैं जो लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है ये मातर शक्ति आप देख सकते हो हमारे कैमरे के माध्यम से और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो फौजियों को लेकर भी राय दियो और ताई ने कही थी लड़कियां का भी नाम जमीन चढ़ जाए उसको लेकर भी कमेंट जरूर हटा दियो कोई जरूरत नहीं सही मैं सु पर उनका जमीन ना मत चढ़ो भाई अपने सासरे चढ़ाओ मारे मारी जमीन नहीं चाहिए ना मैंने अपने बाप की चाहिए तो शेयर कर दो भाई वीडियो में।